दोस्तों, एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि यूट्यूबर के पास कि थंबनेल बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से लेके आए। आप देखिए, आप सर कुछ थंबनेल कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, देखिए। और एक हमारे थंबनेल होते हैं या आपके थंबनेल होते हैं, कितने बेकार लगते हैं। मतलब उसको देख करके वीडियो में लोगों को क्लिक करने का मन नहीं करता दोस्तों। तो आज के दोस्तों में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ कि आप जो है अपने थंबनेल के लिए मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे दोस्तों। और थंबनेल अगर आपने बनाना सीख लिया अच्छे से, मैं आपको ये बताऊंगी थंबनेल कैसे बनाना है। मैं आपको बताऊंगा थंबनेल के लिए जो मटेरियल लेके आते हैं, फॉन्ट, बैकग्राउंड, ठीक है, और जो भी उसकी चीज़ें होती है, पीएनजी इमेज वगैरह हो गए, वो सब कहाँ से लेंगे, किस साइट से लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं होता भाई वो साइट्स कहाँ से लेके आए। और आपको ये भी पता नहीं होता कि फोटो कैसे लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोटो जो है ना मोबाइल वहाँ रखते हैं, रिकॉर्डिंग यहाँ से करते हैं। भाई फोटो जब लेना होता है ना तो मोस्टली आपके फोटो इतने लेने होते हैं। आप देखिए, पूरा फुल फोटो नहीं लगाना होता है आपको शादी में भेजने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको अपने फोटो को थोड़ा सा कैमरे को नजदीक लेके आना है, आपको खुद उसके पास चले जाना है। उससे क्या होगा, आपका फोटो थोड़ा क्लियर आएगा दोस्तों। ये हो गई फोटो की बात। अब फोटो जैसे क्लियर आएगा तो आपके थोड़ी सी अच्छी थंबनेल पे आपका फोटो आएगा तो अच्छा लगेगा दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मंटू भाई, ये जो पीएनजी इमेज लाते हो कहाँ से लेके आते हो। दोस्तों, आप चाहे तो पीएनजी इमेज बना भी सकते हैं और चाहे तो पीएनजी इमेज डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ से जाकर के आप फ्री में पीएनजी इमेज बना सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, आप बैकग्राउंड रिमूवर यूज कीजिए, आपको जिस फोटो को पीएनजी बनाना है वो बन जाएगा। इनशॉट पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरीके से आप वहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। बाकी एक पीएनजी ट्री करके आपसे ऑप्शन आती है, साइट आती है, फ्री पिकर की साइट आती है, उस साइट पे जाकर के भी आप जो है। अब सवाल आता है उसका जो बैकग्राउंड है हमारा, बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड कहाँ से लेके आए। मान लीजिए आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहेगा तो आपका तो थंबनेल बनेगा नहीं भाई। जब थंबनेल बनेगा नहीं बढ़िया तो आपके लोगों, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके वीडियो देखते हो, आपके वीडियो क्लिक नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप। उसके लिए बता रहा हूँ आपको, अनस्प्लैश और पिक्सावे करके बहुत सारी साइट्स आती हैं, दोनों साइट्स पे आप क्लिक कीजिए। पिक्सल्स पे भी जाकर आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आप बैकग्राउंड जो है डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बहुत बड़ा हेडेक आया था दोस्तों कि फॉन्ट जो होती है ना, फॉन्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपकी फॉन्ट थंबनेल पे अच्छे से लगा दिया आपने तो आपका जो थंबनेल है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लगता है और देखने में मजा आता है। तो आपको फॉन्ट के कौन साइट पे जाना है दोस्तों, देखिए द फॉन्ट DAFONT करके साइट है, आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और उस साइट पर जाकर आप जैसे चाहे वैसे फॉन्ट बेहतरीन तरीके से फॉन्ट लेकिन बोल्ड में लीजिएगा, क्योंकि आपके थोड़ा फॉन्ट जो है ना उभर के आएंगे दोस्तों। उससे क्या होगा, आपका थंबनेल के जो फॉन्ट आप लिखेंगे वो क्लियर रहेंगे दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों कि आपने जो फोटो बनाया उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए आप कौन साइट पर जाकर थोड़ा अपने फोटो को tunme.com पर जाइए और अपने फोटो को थोड़ा सा हल्का सा कार्टूनिस्ट कर दीजिए और उस कार्टूनिस्ट फोटो को थोड़ा सा आप जो है लाइट भर करके थोड़ा सा और अच्छे से करके अपने थंबनेल लगाइए और इस तरीके से आपका थंबनेल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में सारी चीज़ सीख ली होंगी कि आपको थंबनेल के मटेरियल कहाँ से क्या कर लेके आने हैं, मतलब फोटो कैसे लेने हैं नज़दीक में आकर के या कैमरे के पास जा करके, और पीएनजी कहाँ से लेने हैं वो बता दिया आपको मैंने, बैकग्राउंड कहाँ से लेने हैं, फंड कहाँ से लेने हैं और अपने फोटो को अट्रैक्टिव कहाँ से बनाना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कैसे कहाँ से किस साइड से जाकर सारी चीज़ लेनी है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।